हाय गाइस, हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का। आज चलते हैं, पान की खेती दिखाते हैं। पान की खेती हमारे यहाँ कैसे होता है, तालाब में ऊपर बीटा बना के पान की खेती किए हैं, ये देसी पान का आपको दिखाते हैं। प्लाग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, इसको अड़ुआ बोलते हैं, अड़ुआ भी है इसके ऊपर, इसमें करेला भी है। इसका गेट यही बना हुआ है अंदर प्रवेश करने के लिए। देखिए, इधर करेली भी लगाए हुए हैं, इसमें बहुत चीज, परवल, करेली, सब चीज रहता है। आप लोग को दिखा रहे हैं फ्रेंड लोग, देखिए इसमें कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है पान को उगाने में। ये वैसे देसी पान है, शायद नहीं, देसी पान है, बंगला नहीं है ये। देखिए फ्रेंड लोग, हम पान के समय में, ये फ्रेंड लोग, हमारे यहाँ पान की खेती ऐसे होती है जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकें और उन्नत खेती कर सकें। उन्नत खेती के लिए पान का मंडप इस प्रकार से तैयार करना चाहिए। इसको छाना पड़ता है, इसमें बहुत आइटम लगता है, बांस का, बांस और पुआल, सरपत का बहुत आइटम लगता है इसमें। पान की खेती, पान का पौधा एक लतादार बेलदार वृक्ष होता है, इसको ऊपर सरारी के माध्यम से बांधकर चढ़ाना पड़ता है। इसके तने को ऊपर करना पड़ता है और जड़ को नीचे गिरा है। पान की खेती सभी प्रकार की मिट्टी पर किया जा सकता है। वैसे मृदा का मिट्टी पीएच लगभग 5 से 7 या 7 साढ़े 7 का लगभग पीएच होना चाहिए। वैसे पान की खेती का जल निकास वाली जगह पर ही किया जा सकता है, क्योंकि पानी लगेगा तो यह सड़ने गड़ जाता है। इसको पानी निकासी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, बारिश होने पर पानी बाहर हो जाए। पान की खेती काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। पान की खेती हर प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। उन्नत किस्में भारत में सबसे ज़्यादा किस्में प्रचलित हैं। प्रयोग में हल्की गहरी जुताई करके गोबर की खाद डालना चाहिए। लाइन से लाइन निकालने के लिए गेट की भी आवश्यकता पड़ती है बाहर आने जाने के लिए, और सिंचाई के लिए हल्की सिंचाई करना पड़ता है पान की खेती में। देखिए, मटका रखा हुआ है, पानी मटके से ही कंधे पर उठाकर तालाब से पानी लाकर सिंचाई करते हैं। इसका हल्का फुहारा से ही सिंचाई किया जा सकता है पानी, क्योंकि इसमें हल्का लगना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तार से या मोटे बांस से इसका बांधना चाहिए, नहीं तो जिससे आंधी और तूफान में गिरे ना, तो पान का मंडप आंधी और तूफान में गिर ना पाए। इसके लिए देखिए कितना मेहनत, कितना इसको बांधे हुए हैं नीचे से ऊपर तक, देखते आ रहे हैं हमारे तरफ। ये तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। उन्नत किस्में भारत में सबसे ज़्यादा हैं, किस्में प्रचलित हैं, हमारे यहाँ चला आ रहा है। इसका खेती करने के लिए देखिए, हमारे चाचा जी का, अच्छा क्या नाम है, मंडप छा रहे हैं पूरे पुआल से। और चाचा जी बताइए, कैसे कैसे क्या होता है पान की खेती में, कितना मेहनत है, कैसे क्या क्या लगता है इसमें? ये तो बहुत ज़रूरी है, पहले इसको पत्ती छोड़ना पड़ता है खेत, इसके बाद इसका जो है जनवरी में मार्च तक इसको जो है 2-3 बार गुड़ाई होती है। हाँ, गुड़ाई करने के बाद तब इसको तैयार किया जाता है बांस और पुआल द्वारा, तार द्वारा। तैयार करने के बाद इसका जो पुआल से छवाई होती है, इसकी छवाई करने के बाद तब इसको फिर गुड़ाई और पिटाई होती है, मिट्टी इसकी बारीक की जाती है। तब 3-4 आदमी पानी देते हैं, उसको गीला करके जो है हाथ से लकीर खींच कर इसमें जो है गन्ने के तरीके जो है बोया जाता है, जैसे चप्पा करना बोया जाता है पानी और नाली के साथ में, उसी के साथ हाथ से नाली बनाकर इसको खींचा जाता है। सिंचाई मटके से ही करते हैं चाचा जी के? हाँ, ये मटके से ही पानी। अच्छा, टीलू पंप नहीं काम करे। हाँ, हल्का पानी, जैसे देखिए हमारे चाचा जी घड़ा रखे हुए हैं, इससे ही पानी डालते हैं। देखिए फ्रेंड लोग, भाई बता दीजिए कैसे डाला जाता है। देखिए इसको ऐसे ही डाला जाता है, ऐसा करके ऐसे ही डाला जाता है। सभी लोग बिना जानकारी के नहीं डाल पाएंगे दोस्त लोग।
जिसको मालूम है वही डाल पाएगा, सब लोग इसमें नहीं मेहनत डाल बहुत पाए, ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा खर्च भी पड़ता है इसमें। खर्च लगभग बहुत ज्यादा पड़ जाता होगा सर। तो इसको कहाँ बेचते हैं अगर तैयार हो इसको जाता जो है? है तैयार होने पर जो है जैसे जिले पर जाता है, जैसे फैजाबाद हुआ, आजमगढ़ हुआ, जौनपुर हुआ, बनारस उससे हुआ, हम लोग जहाँ आजमगढ़ नजदीक में मंडी ही, नहीं है, खर्च हाँ बहुत ज्यादा पड़ता है आने जाने, इसका बहुत दूर भेजते हैं। मंडी ही नहीं है कहीं, हाँ इसलिए हमको हम लोगों को और महंगा पड़ता है, नजदीक मांगी मंडी रहा तो हम लोगों का खर्च कम पड़ेगा। हाँ खर्च बहुत ज़्यादा इसमें। और एक बार इसको तैयार करने में 15 से 20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया बैठता है हाँ इसको कम से कम, हाँ कम से कम। और जब खेती अगर मार गई तो एक पैसा नहीं मिलता हम लोग, हाँ बारिश कुछ ज़्यादा हो गया तो नहीं कुछ नहीं ठंडक में होता गलने का डर रहता है ना ज़्यादा है, जो नहीं तो चला। टोटल चला जाता है, जड़ सही चला जाता है, इसकी बुआई भी नहीं हो पाती है, ऐसे ही पोजिशन है। और पूछिए। और चलिए ठीक है चाचा जी, इतना जानकारी देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, आभार आपका। थैंक्स चाचा जी। देखिए फ्रेंड लोग, ये ठंडक के दिन में इसका, इसमें पानी अगर कमी रहता तो ठंडक, इसमें पानी रहेगा तो ठंडी कम लगेगा नहीं, इसमें पानी नमी हम लोग बराबर करते हैं, इसको हाँ। नमी बराबर देते हैं, और ठंडा पान जब के ज्यादा हो पत्ते में जाता है देखो पाला लगने का डर रहता है, चाचा जी दिखा देखिए रहे यही है हैं। पाला, यही है जो काला और भूरा रंग का है ना, हाँ इसमें ये भूरा रंग का पत्ती हो देखिए जाता था, पत्ती सड़ने जैसी लगती है। हाँ सब इसका सिकुड़ उपचार, जाता है। इसके उपचार के लिए अभी हम बताएंगे कुछ आप लोग को। तो पान की खेती में लगने वाले रोग और उपाय, थोड़ा निदान हम बताते हैं आप लोग को। पत्ते में महोबा का पान ज़्यादा प्रचलित है हमारे यूपी में, लेकिन हमारे आजमगढ़ में देसी पान ही ज़्यादा चलता है। इधर मगई और महोबा, मगही और महोबा महोबा चलता ज़्यादा देसी, चलता है, लेकिन हमारे और यहाँ तीसरे देसी, नंबर पर देसी आती तीसरे है। नंबर पे देसी पान आता है। सर्दी में पान गलता और सड़ता जाता है, इसलिए जैसे ऊपर छत की छवाई अच्छे से करना चाहिए। हमारे चाचा जी जस्ट अभी कर ही रहे हैं छत की छवाई, पुआल से देखिए कर रहे हैं, या रखे हुए हैं पुआल, नाली नाली पूरा लाइन से लाइन में सब छवाई कर रहे हैं। ठंडक में बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इससे पाला कम लगेगा, नहीं तो पत्ती में सब असर करने लगता है पाला का। छत की छवाई अच्छे से कर लेना चाहिए अगर ना हुआ हो तो, नहीं तो ठंडी में पत्ते गिरने लगते हैं। अपने आप गिरते हैं, किसान सर्दी में पानी का ध्यान कम देते हैं, अगर पानी की कमी रहता है तो हल्की फुल्की सिंचाई अवश्य करते रहते हैं। जैसे कि चाचा जी मटका रखे हुए हैं दिखा रहे हैं आपको, देखिए एक और उधर पड़ा है, मटके से हल्की ही सिंचाई करते हल्की हैं सिंचाई पान की किया खेती जाता है में। बहुत फ्रेंड लाभ लोग, के लिए आता है। होने वाले रोग काली गांठ तरह के फफूंदीजनक रोग लग जाते हैं, इसके उपचार के लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, भले पत्तियों में रोग ना हो, बीमारी इसमें लगता है पान खेती में। कोई दवा का अगर नाम जानते हो तो बताइए प्लीज, इसके अंदर हम लगाते रहते हैं ना, दवा ये हम उनके लोग लगा मेडको रहा डालते हैं, जा मेडको और डालते हैं 45 यही डालते हैं, अच्छा, मेडको सबसे कारगर दवा इसके लिए यही, बाजार में मिल जाता है ना? ठीक हाँ बाजार मिलता है महंगा ठीक मिलता है, 2 रुपये का 100 ग्राम। हाँ चलिए ठीक है फ्रेंड लोग। इसका दवा ही नहीं है ज़्यादा, इसमें नाकट और काली गांठ जैसी बीमारी लगती है, उसके लिए उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स एस्ट्रोसाइक्लिन 6 ग्राम दवा 30 लीटर पानी में घोल बनाकर नियमित रूप से छिड़काव छिड़काव करते रहें। अन्य रोग के लिए पान के वेल पर नहीं आ पाएंगे। इसके ऊपर परवार और अड़ुआ अड़ुआ जैसे बहुत चीज़ रहता है, इसके किनारे किनारे से इस पर चढ़ जाता है, चला रहा था। देखिए अरहर कितना मस्त था, एकदम जबरदस्त, ये सब बेटा पे हुआ है। देखो इसमें परवल भी चला रहता है, कोई भी रहता है, अड़ुआ भी रहता है, इसको अरुआ बोलते हैं, बहुत चीज होता है इसी ब्रीड में। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आप लोग से नेक्स्ट आगे मिलते हैं। शुक्रिया, बाय बाय।